दोस्तों, एक और नए लाइफस्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फसल तैयार हो चुकी है, गेहूं अभी तैयार होने में कुछ समय है, जौ तैयार हो चुका है, उसके अलावा दलहनी फसल में मसूर इस समय में तैयार होता है। अभी में भी 7-8 दिन में सब कुछ तैयार हो जाएगा। ये फूलों की नर्सरी है, फूल मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। छोटे डिब्बों में ये फूल लगाए जाते हैं, उसके बाद इनको बड़े बड़े महानगरों में सप्लाई किया जाता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इनकी बिक्री की जाती है। ऑफलाइन में सड़क चलते कोई भी टूरिस्ट इनको खरीद सकता है। इसके अलावा दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, काफ़ी सारे महानगरों में भी इनकी काफ़ी डिमांड होती है। होटल दोस्तों, आप ये जो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक कलर के दाने देख रहे हैं, इनको मसूर कहते हैं हम अपनी लोकल भाषा में, जिसकी दाल मलका होती है, रेड पल्स कहा जाता है इनको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के। अगर हम बात करें होटल वगैरह में रेड पल्स ही कहते हैं, मसूर या मलका एक इसका प्रचलित नाम होता है। इस लेवल तक पहुँचने के लिए इसको काफ़ी सारे स्टेप्स से पार होकर जाना पड़ता है, और ये सारे स्टेप्स जो है मैनुअल होते हैं। पहले खेत से इनको घर में लाया जाता है, उसके बाद कुटाई की जाती है लकड़ी के द्वारा, सीधे डंडे के द्वारा। उसके बाद जब इसके कोसे निकल जाते हैं तो उसको बल्ले से कूटा जाता है, जिससे इसका यह रूप भी प्राप्त नहीं होता। इसको पंखे की हवा से अथवा फटीला लगा करके साफ किया जाता है। तो ये है दाल के प्रोसेसिंग की कहानी। बहुत सारे ऑडियंस इस प्रोसेस को अच्छी तरह से जानते होंगे जो कि एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, और कुछ लोग नहीं भी जानते, क्योंकि अब ज़्यादातर चीज़ें जो है रेडीमेड ही आती है। दुकान में गए, सामान ले लिया, लेकिन दुकान के सामान को हम तक पहुंचने के लिए काफ़ी सारे हाथों से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय और अथाह मेहनत की भी ज़रूरत होती है। पहले काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता था हमारे यहाँ भी, अब काफ़ी कम हो गया, क्योंकि बढ़ते समय के साथ मानवीय आवश्यकताएँ बढ़ी हैं। जहाँ पर खेती होती थी वहाँ पर बड़े बड़े होटल वगैरह बन गए, मॉल्स वगैरह बन गए, लोगों ने रिहाइश के लिए घर बना लिए, तो क्षेत्रफल भी कम हो गया। दूसरा, वाइल्ड एनिमल पहले भी थे, लेकिन अब क्या है, बची हुई खेती में जंगली बैल वगैरह भी आ जाते हैं, कुछ आवारा गायें भी नुकसान पहुंचाती हैं, बचा हुआ जो बचता है उसको बंदर वगैरह से भी बचाना पड़ता है, सिर में रख के घर पर लाना पड़ता है, उसकी इसकी 24 घंटे चौकीदारी भी करनी पड़ती है। अगर आपको थोड़ी देर भी दिन में आँख लग गई अथवा आप सोने का मन करता है तो बंदर उठाकर भी ले जाता है और खा लेता है। इस तरह से संचित करना इनको बहुत ही मुश्किल होता है। ये मैंने काफ़ी काट छाट के तैयार किया है, इस प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय भी लगता है। दोस्तों, ये जौ की क्रॉप है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी पौष्टिक होता है। गाय बच्चों को हम खिलाते हैं, वैसे भी आदमी के लिए भी है, काफ़ी पौष्टिक होता है। यज्ञ वगैरह में भी जौ का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है प्राचीन समय से। पहले इसका बहुत उत्पादन होता था, अब कम हो गया। इसका एकमात्र कारण खेती आदमी के इंटरेस्ट में परिवर्तन है। अभी एकदम मौसम ख़राब हो गया तो इसको मैं एक जगह हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं पेड़ की छांव में। सारा तो खैर ढका नहीं जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मौसम ख़राब है तो जितना भी बचाव हो सकता है उतना कर लेना चाहिए। इसको उठाते इसमें विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, इसमें कार्टिनमा संरचना, जिसको हम लोकल भाषा में झूस कहते हैं। और इसकी बालियां फिजिकली रूप से गेहूं की ही तरह दिखाई देती है, कोई ज़्यादा अंतर लगता नहीं है मुझे, लेकिन ये थोड़ा नाजुक होता है। अगर आप इसको जोर से पटकोगे तो इसके आधे गूदे वैसे ही गिर जाते हैं। काफ़ी हल्का होता है गेहूं के कंपैरिजन में, और कमज़ोर भी होता है, नाजुक होता है, साथ में पौष्टिक माना जाता है। पहले हम इसको बैल से प्रोसेस करते हैं, कई बार बैल से भी प्रोसेस करते हैं, कई बार ट्रैक्टर से भी प्रोसेस करते हैं, कई बार लकड़ी से भी जुड़ ले, जैसी भी कन्वीनियंस होती है। दिस इज द वे ऑफ क्रॉप फील्ड एज आई एम शोइंग टू यू, दिस इज द ट्रेल। आदमियों के कदमों के चलने से जो रास्ता बनता है इसको हम लोकल भाषा में पगडंडी कहते हैं, बाटा कहा जाता है हमारे यहाँ, और अन्य भाषाओं में हिंदी में पगडंडी कहा जाता है, अंग्रेजी में ट्रेल कहा जाता है। कुछ हमने काट लिए हैं और कुछ काटने हैं। द क्रॉप्स इज अंडर प्रोसेसिंग नाउ ए डेज, इट विल टेक सम टाइम अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू वेदर, एज आई एम शोइंग टू यू, आई एम ऑन द वे राइट नाउ, क्रॉप्स आर प्रिपेयर्ड एंड कटिंग नाउ ए डेज हेयर। तो ये इस तरह से होते हैं गांव के रास्ते, इस तरह से होते हैं, न तो ज़्यादा चौड़े होते हैं, नहीं ज़्यादा पतले होते हैं। फिर भी कई बार क्या होता है, इनमें झाड़ियाँ भी उग जाती है तो थोड़ा पार करना मुश्किल हो जाता है। अभी तो मौसम एकदम साफ है, ये बरसातों में जब आएंगे तो ये रास्ते जितने सुविधाजनक गर्मियों के मौसम में दिखते हैं, बरसातों में और ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं। इसी के नीचे एक मुख्य नहर बहती है, दिस इज द वे ऑफ केनाल इज ऑल्सो, एंड दे
आर कनेक्टिंग टू लेक्स इंटरकनेक्ट भीमताल एंड नौकुचिया ताल. डिस्टेंस बिटवीन टू लेक्स आर 4 किलोमीटर. दिस इज वेरी ओल्ड कैनाल, वे ऑफ कैनाल एंड कैनाल इज वेरी ओल्ड ब्रिटिश टाइम पीरियड्स एंड आई एम जस्ट गोइंग टूवर्ड्स द केनाल. नहर से होते हुए यह रास्ता भी खेत की तरफ को जाता है. अभी कुछ जगह पर नहर को ढक दिया गया है सुरक्षा कारणों की वजह से भी, और पानी की बर्बादी होती है इस वजह से भी, लेकिन कई जगह पर केनाल खुली हुई है. कुछ जगह पर जीर्ण शीर्ण अवस्था में और कुछ जगह पर ठीक है. जैसा कि आप ये अच्छा खासा लंबा रास्ता देख रहे हैं, इसके अंदर जो केनाल है, केनाल पर मैंने ऑलरेडी आई ऑलरेडी मेक अ वीडियो, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. डिटेल्ड वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस केनाल. तो यहाँ से मैं टर्न आउट हो जाता हूँ वापस ऑन द वे की तरफ को जाने के लिए. ये रास्ता खेत की तरफ को जाता है. तो इस तरह से हम इसको सिर में रख कर लाते हैं. लाने के बाद इस तरह से इसको चूटा जाता है, कुटान किया जाता है. पहले इसको लंबी डंडी की सहायता से कूटा जाता है. उसके बाद जब इसके दाने निकल जाते हैं तो इसको बल्ले की सहायता से कूटा जाता है. यहीं पर काम ख़त्म नहीं होता है. इसको पहले जो बता धोती की सहायता से, फटीले से या सूपे की सहायता से इसके सफाई की जाती है. पंखे की सहायता से उड़ाया भी जाता है. साथ में इसको झाड़ना भी पड़ेगा क्योंकि पत्ते अलग करने पड़ते हैं इसमें से. हमारे इसी के ऊपर आम का पेड़ है तो आम के पत्ते इसमें से अक्सर गिरते ही रहते हैं. और पहले इसको निकालना पड़ेगा, फिर जौ निकलेगा, फिर गेहूं निकलेगा, कि एक साथ में सारी क्रॉप्स नहीं निकाली जाती है, वन बाय वन होता है. तो ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था तो आज थी हमारी छुट्टी, तो उसका भी यूटिलाइज हो जाता है और थोड़ा शरीर की भी एक्सरसाइज हो जाती है. अगर इस तरह से आप कोई भी मैनुअल वर्क करते हैं, उसके बाद नहाने धोने का काम हो जाएगा और फिर इसी तरह से दिन निकल जाता है. तो इस अब मैं क्या ही बताऊँ, जैसा आप देख रहे हैं अभी इनका चुटान किया जा रहा है. उसके बाद ये दाने किस रूप में होते हैं, इस पर काफ़ी लोगों का हेल्पिंग हैंड लगता है. और ये जो प्रोसेस के लिए तैयार है, अभी भी पूरी तरह से इसमें सफाई नहीं है. जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ डंठल वगैरह सूपे की सहायता से इनको निकाला जाता है. बारीक की खाने वाली चीज़ होती है, इसमें साफ सफाई की विशेष आवश्यकता, विशेष मांग रहती है. तो अभी इसको एक बार और प्रोसेस. एंड दिस इज द ट्री ऑफ मैंगो. मैंगो इज ऑल्सो नॉन एच किंग ऑफ फ्रूट. फलों के राजा जी आम के पास में आ गया हूँ. आम में अभी फूल लगा हुआ है. इसको हम अपनी लोकल भाषा में आम का बौर कहते हैं. अभी से आम बन जाएंगे. बंदर अगर छोड़ दे, आधी तूफान से बच जाए तो कुछ आम. हमारे घर के आसपास भी 3-4 आमों के पेड़ हैं. कुछ उसमें इस्तेमाल जाते हैं, बाकी बर्बाद ही होते हैं. बाकी बंदर लोग भी खा देते आम. आम में जो हमारे यहाँ एक साल छोड़ के एक साल फल आता है, तो इस साल ज़्यादातर पत्तियाँ आई हुई, जैसा कि आप देख पाए लाल रंग की पत्तियाँ. और कुछ फूल भी है जिसमें पिछली बार शायद इस पर पत्तियाँ नहीं आई होंगी तो फूल आया. पहाड़ का आम बहुत देर से पकता है, जुलाई अगस्त तक का पकता है, बरसातों के टाइम तक. दोस्तों, आपके साथ बातें शेयर करते करते मुझे समय का पता ही नहीं चलता. एकदम सायंकाल होने को है. अब यह दिन यहाँ पर समाप्त हो जाता है. दिस इज माई whole day schedule as I shared with you and I am happy by doing so. And that's the end this episode. If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. दोस्तों, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें. इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट और यात्रा वृत्तांत संबंधी ब्लॉग्स इस चैनल पर समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं. इसके अलावा लाइफस्टाइल ब्लॉग्स भी मैं रिलीज करता हूं. सेम टू सेम वीडियो आप फेसबुक पेज पर जाकर भी देख सकते हैं. थैंक्स फॉर स्टे टेलिंग. वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद.